इतना गरीब हूं ना मैं। वाह, क्या शायरी की शुरुआत है। शायरी नहीं, अपनी स्टोरी बता रहा हूँ यार। हाँ तो मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, सामने जो कारें मेरी हैं, लेकिन मैं पहले बहुत ज्यादा अमीर था। फिर मुझे जुए की आदत लग गई और फिर मेरा सारा कुछ जुए में चला गया। ये कार ऐसी मेरे पास 10 थी, मतलब और ब्रांड की थी, पर अभी इस कार की भी ये हालत है कि स्टार्ट भी किस्तों पर होती है। अब मैं मजदूरी करता हूँ, ये क्या पड़ा है सामने। अबे यार स्टी की बूम है, मैं तो नोटों की गड्डी समझ रहा था कि मेरी तो दोबारा से किस्मत खुल गई, नोटों की गड्डी मिल गई, पर ये तो स्टी की बूम है, किसने गिरा दी है रोड पर। मैं तो पुलिस को दियाऊंगा, कभी मैं फंस गया तो मेरे पास तो है भी नहीं कुछ जो मैं छुप जाऊंगा पैसे देकर। अब रोड पार कर लेता हूँ। ऐसी एसटी की बम गिरा किसने दिए, किसी आतंकवादी नहीं गिराए होंगे, कोई होगा बदमाश। हम तो अपनी रोड पार कर लेते हैं। खुद ही अरे वो दिखना रहा, अरे अंधा क्या कैसे। अबे भाई यार मैं तो अच्छा खासा कह ही रहा था, थक जाएगा तो हट ही नहीं रहा था, तेरी गलती है इसमें यार। अबे देखना रहा हाथ में स्टिक वो, मैं तेरी गाड़ी लगा के तेरी गाड़ी को उड़ा दूंगा, हो जाएगा बिलास, कभी हल्के में जान ना हो। चल भाई आप पेट्रोल पंप तो बता दे यार, भाई यार सॉरी गलती से ठुक गया था भाई यार सॉरी। चल अभी बताऊं पेट्रोल पंप कहाँ है, अभी बताऊं। जैसे ही पेट्रोल पंप पर पहुंचेगा ना, उससे पहले ही तेरी गाड़ी में स्टिक की बम लगा दूंगा। जैसे ही तेरी गाड़ी पेट्रोल पंप पर पहुंचेगी ना, जब ही बटन दबा के तेरी गाड़ी को ब्लास्ट कर दूंगा, साथ ही साथ में पेट्रोल पंप पे भी फट जाएगा। आते कहाँ से हैं ऐसे लोग, सारा मूड खराब कर दिया। अच्छा खासा स्टिक की बम को पुलिस स्टेशन में देने जा रहा था, मन तो कर रहा था इसी गाड़ी में लगा के फोड़ दूँ। अबे एक सेकंड, मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा खतरनाक आइडिया आया, आपको बताता हूँ। अपनी गाड़ी को लेके मैं अब बहुत ज़्यादा अमीर बंदा बन जाऊँगा यार। तो मेरे दिमाग में एक प्लान आया, मैं आपको अभी बताऊँगा। बस ये भगवान की दुआ से एक गाड़ी चालू हो जाए पहली बार में, नहीं तो सारा मेरा प्लान चौपट हो जाएगा। बस भगवान से दुआ करता हूँ एकदम स्टार्ट हो जाए। अबे यार भगवान की मर्जी से आती है, गाड़ी भी पहली बार में स्टार्ट हो गई, नहीं तो इसे मैं स्टार्ट करते करते मर जाता था, ये स्टार्ट भी नहीं होती थी। चल तो ये बहुत बेकार रही है, रास्ते में किसी बंदे को ना उड़ा दूँ, पर अब तो इसे लेकर चलना पड़ेगा ये पेट्रोल पंप पे, प्लान जो सक्सेसफुल करना है मुझे अपना। तो मैं आपको जल्दी से अपना प्लान बता देता हूँ कि प्लान क्या है। पहली बात तो ये गाड़ी बहुत बेकार चल रही है, चलो आपको प्लान बताना क्या। प्लान आप अपनी आंखों से देख ही लो, मैं इस पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी को खड़ी करूँगा और फिर अपनी गाड़ी में ही स्टिक बम लगा के इसे ब्लास्ट कर दूंगा और सारा का सारा इल्ज़ाम आएगा पेट्रोल पंप वालों पे, और फिर पेट्रोल पंप वालों को मुझे बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। बार धमकी दूंगा ना कि आपने मेरी गाड़ी फोड़ दी, ये कर दिया वो कर दिया। चलो अच्छा है पेट्रोल पंप पे कोई है भी नहीं, अपनी गाड़ी पे जल्दी जल्दी स्टिक बम लगा देता हूँ, नहीं तो पेट्रोल पंप का मालिक ने देख लिया तो पैसे उसे तो कुछ भी नहीं देगा और ऊपर से पुलिस से और पकड़वा देगा। जल्दी से अपनी गाड़ी को स्टिक बम से भर देता हूँ। अरे सर कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, रुको रुको रुको। अबे आधे घंटे से खड़ा हूँ, कोई पेट्रोल आके गिरेगा, ये कोई तुम्हारे पेट्रोल पंप का तरीका है कुछ ये चलाने का। सॉरी सर माफ कर दो, गलती से हो गया था सर, प्लीज कंप्लेन मत करना, मैं इस पेट्रोल पंप का मैनेजर हूँ सर। अबे होएगा मैनेजर, मेरे सामने कोई मैनेजर नहीं है, हाँ से मैं आधे घंटे से खड़ा हूँ, मैं पागल हूँ। जल्दी से दूर चला जाता हूँ, गाड़ी फूटेगी तो साथ में मैं भी फूट जाऊंगा यहाँ से। अब अपनी गाड़ी को फोड़ देता हूँ जल्दी। अबे भाई ये क्या हो गया मेरी गाड़ी को, मेरी गाड़ी फूट गई है, भगवान ये पेट्रोल पंप वाले कैसे हैं, मेरी गाड़ी फोड़ दी, मैं तो पुलिस रिपोर्ट करूंगा। हाय सर ये क्या हो गया सर, सर सॉरी सर, सर प्लीज कंप्लेन मत करना सर, सर बातचीत करते हैं सर। अबे भैया कितनी बार सर बोलेगा यार, मैं तो करूंगा पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, उससे ही मेरी गाड़ी फोड़ दी, नई गाड़ी थी बिल्कुल, अभी एक भी स्क्रैच नहीं था। सर झूठ तो मत बोलो सर, पूरी गाड़ी टूटी फूटी पड़ी थी। आप एक काम करो, हम तुम्हें 2,00,000 रुपए दे देते हैं, मान जाओ। अरे मेरे लिए तो करोड़ों की गाड़ी थी, ये मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट करी थी, अब इस देश में नहीं रहते यार, उसकी आखिरी निशानी थी। अरे मैं तो पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, लो अभी मैं पुलिस को फोन करता हूँ, तुम्हारा बहुत नाटक हो गया है। सर रुको हम 25,00,000 रुपए देते हैं सर, सर सॉरी सॉरी। हाँ तो जल्दी लाओ, बहुत टाइम लगा। 2 hours later लीजिए सर पैसे, प्लीज कंप्लेन मत करिएगा सर, हमारे पेट्रोल पंप की गलती थी सर, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा सर, सॉरी सर, प्लीज किसी से हम नहीं कहेगा, नहीं तो हमारे पेट्रोल पंप की बुराई हो जाएगी। चलो चलो नहीं कहूँगा, मुझे जान तो दो। और कैसी लगी मेरी एक्टिंग, अब तो मैं दोबारा से मालदार हो गया, पूरे 25,00,000 रुपए मेरे पास, अच्छा सा घर लूंगा, अच्छा सा बिजनेस चालू करूंगा, दोबारा से मालदार हो जाऊंगा यार।